ना आंदोलन खत्म होगा और ना आंदोलनकारी खत्म होगा। राकेश टिकैत के इस बयान से साफ हो गया कि गाजीपुर बॉर्डर का धरना खत्म होते होते बच गया। गुरुवार रात को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के रोने के बाद से ही माहौल पूरी तरह बदल गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर निशान साहिब फहराने की घटना के बाद से किसानों का आंदोलन लगातार कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब तक 4 किसान संगठनों ने अपना धरना खत्म कर दिया है, मगर गाजीपुर बॉर्डर पर अब जंग तेज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार देर शाम से आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस और फोर्स की मौजूदगी इस ओर इशारा कर रही थी कि बीती रात आंदोलन के लिए निर्णायक रहेगी, लेकिन राकेश टिकैत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने माहौल को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल शासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को गुरुवार आधी रात तक यूपी गेट खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा कि वो आत्महत्या कर लेंगे लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत फूट फूट कर रोते नजर आए। आपको याद दिला दें कि 26 जनवरी की परेड के बाद अपने घरों को लौट रहे किसान भी अब वापस गाजीपुर बॉर्डर लौटने लगे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको लेकर आज मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत भी बुलाई गई है, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इसके साथ ही अब किसान नेता राकेश टिकैत को राहुल गांधी, अजीत सिंह और जयंत चौधरी जैसे बड़े नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। इस बीच केंद्र ने किसानों के विरोध के कारण गाजियाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कहकर रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियों की तैनाती की अवधि 4 फरवरी तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले ये तैनाती सिर्फ 28 जनवरी तक ही थी, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना प्रदर्शन जारी रहने के बाद अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धरना स्थल खाली करने का नोटिस भी थमा दिया है, लेकिन फिलहाल किसानों ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया है। और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाए। इस गहमा गहमी के बीच तस्वीर अभी पूरी तरह साफ तो नहीं है, लेकिन ये लगभग तय है कि किसान आंदोलन अभी और चलेगा। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली, इतनी बड़ी गत। मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर, मुख्यमंत्री पर करा, ये गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप?